ये कभी देरी नहीं होती है और मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही हूँ। मेरे संस्कार भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं और कांग्रेस पार्टी के संस्कार से, विचारधारा से मेरे संस्कार मैच नहीं करते हैं, तो मैं अपने परिवार में वापस आई हूँ। ऐसा माना जा रहा है कि आपके यहाँ कोई कार्रवाई हुई थी कांग्रेस की तरफ से, ऐसा कहा जा रहा है, इस वजह से दबाव था। देखिए मैं अपनी इच्छा से और अपनी खुशी से अपने लोगों के बीच में आई हूँ। किसी भी तरह से मुझे लगता है पहले भी मैंने निर्णय लिए थे तो कुछ निर्णय गलत हो जाते हैं, लेकिन अपने परिवार में आने के बाद मुझे जो सुकून मिला है, मुझे खुशी है कि मैं अपने परिवार के लोगों के बीच में हूँ। गोविंद सिंह जी के साथ में आप कभी विपक्ष में रही हैं, प्रतिद्वंदी रही हैं, लेकिन अब दोनों साथ में हैं, साथ में काम करेंगे। देखिए सभी यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता होने के नाते सब मिलजुल के पार्टी के लिए काम करते हैं। और सबसे मुख्य वजह आज जो हमारा देश है, देश को एक स्ट्रांग लीडरशिप की जरूरत है। वो नेतृत्व हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में है, नरेंद्र मोदी जी के बीच में। हम सब मिलके काम करना चाहते हैं, इसलिए मैं इधर हूँ। गुड्डू कुंडेला से तो आपके अच्छे संबंध थे, लेकिन अब गुड्डू कुंडेला कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तो क्या बहन जी का प्रश्न है? बहन जी से कांग्रेस ये कह रही है कि आपके ऊपर प्रेशर था, क्योंकि लगातार इस तरीके से जो आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उसको लेकर प्रेशर बनाया जा रहा था, उसी के लिए आप बीजेपी फिर से ज्वाइन की? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है जिनको बातें जो करनी है वो अपने विचार व्यक्त करते हैं, सभी स्वतंत्र हैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए। लेकिन मैं अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से, और जैसा मैंने कहा, मेरे कांग्रेस की आइडियोलॉजी से मेरे संस्कार मैच नहीं करते हैं, इसीलिए मैं अपने परिवार में वापस आई हूँ। भारतीय जनता पार्टी से कोई डिमांड रखा आने से पहले? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी भी तरह से अपने परिवार में, आप जाने से पहले कोई डिमांड रखते हैं क्या?